हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स पी आई बी प्लस हिंदू एनालिसिस 24 अक्टूबर 2017 ब्रॉट टू यू बाय मी केतन गर्ग। हमेशा की तरह पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लिखने विखने की ज़्यादा टेंशन नहीं है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगे। आप ये ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पर पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल के डिस्कशन पेज पर भी आप अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हो, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो आज शुरू करते हैं GS1 से। तो GS1 में सबसे पहली ये पैका विद्रोह टू बी नेम्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो HRD मिनिस्ट्री अब जो बात कर रही है वो कह रही है कि अभी तक हमारे स्कूलों में हमें किताबों में पढ़ाया जाता था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, इट वॉज टॉट अस एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अभी तक हमें 1857 की लड़ाई को ही पहली लड़ाई बताया गया था इंडिपेंडेंस की। लेकिन अब HRD मिनिस्ट्री जो कह रही है वो कह रही है कि नहीं, जो असली मायने में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो आपका पैका विद्रोह था। अभी कुछ 3-4 महीने पहले मोदी साहब उड़ीसा गए थे, तब उन्होंने भी वहाँ पर पैका रिवोल्ट की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि असली मायने में जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो पैका विद्रोह ही है जो 1817 में आपका हुआ था। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है वो ये बात कर रहे हैं कि अगले सेशन से, जो 2018 का सेशन है, उस सेशन से हिस्ट्री की जो किताबें हैं वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की लड़ाई को नहीं बताएंगी, बल्कि आपके पाइका विद्रोह जो 1817 में हुआ था उसको बताएंगी कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है ना मिस्टर जावेदकर, जो हमारे ये साहब हैं HRD मिनिस्टर, हैड फर्स्ट मेड द अनाउंसमेंट ऑन संडे हेयर एट अ फंक्शन टू मार्क द बाइसेनेट्री ऑफ पाइका रिबेलियन। अब आप देख रहे हैं कि 200 साल पूरे हो जाएंगे 2017 में, इसको 1817 में शुरू हुआ था तो 2017 में 200 साल हो जाते हैं। एंड एडिड दैट द सेंटर हैड एलोकेटेड 200 करोड़ फॉर कमेमोरेटिंग इट अक्रॉस द कंट्री। 200 करोड़ रुपये इसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा ना, जैसे 1857 का रिवोल्ट है, अच्छे से पॉपुलराइज है, बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हर हिस्ट्री की किताब में पढ़ाया जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन पाइका रिबेलियन के बारे में, पाइका विद्रोह के बारे में अभी तक बच्चों को जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारी किताबों में भी इसका जिक्र नहीं होता। तो इसीलिए 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। अब पाइका रिबेलियन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, लेकिन अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पाइकास थे कौन? ठीक है, ये पाइकास थे कौन? पाइकास वर एसेंशियली द प्रेजेंट मिलिशियाज ऑफ गजापति रूलर्स। ठीक है, उड़ीसा में गजापति रूलर्स नाम के रूलर्स होते थे, उनके अंडर जो प्रेजेंट मिलिशियाज होते थे वो आपके पाइका एक ट्राइब होता था। ठीक है, ये लोग जो पाइकास होते थे ये मिलिट्री सर्विस देते थे किंग को ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, और जब पीस टाइम होता था तब अपना आराम से खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, मतलब जब लड़ाई होगी तब मिलिट्री ऑफ आर्मी में चले जाएंगे, और जब पीस टाइम चल रहा है तब किसान होते थे। ठीक है, दे अनफर्ल्ड द बैनर ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर अंडर द लीडरशिप ऑफ पाक्सी जगांधु विद्या धारा। तो ये इनके लीडर थे। ठीक है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया आपको नाम दे देंगे कि बताओ ये कौन से रिवोल्ट के साथ रिलेटेड है, या आपको रिबेलियन दे देंगे बताओ ये किसके अंडर हेड था। तो अपने लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है बाक्सी जगांधु विद्या धारा के बारे में, एज अर्ली एज 1872 थ्रो ऑफ द ब्रिटिश यॉक। ठीक है, तो 1817 में, जैसे हमने पहले भी देखा कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो था विद्रोह कर दिया था। अब बैकग्राउंड क्या था, रिवोल्ट क्यों किया, कोई ना कोई कारण रहा होगा कि रिवोल्ट किया इन लोगों ने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। जो रूलर्स ऑफ खुर्डा, उस एरिया को पहले खुर्डा कहा जाता था, वो ट्रेडिशनली जो थे वो जगन्नाथ टेम्पल जो आपका पुरी में है वो उसके कस्टेडियंस थे, और ऐसा माना जाता था कि जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं उन्होंने ही उनको अपना डेप्यूटी बना के भेजा है अर्थ पे टू टेक ऑन द कस्टडी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, तो ये लोग वहाँ पर उसके जो ट्रेडिशनली और जो कल्चरली जो उसके कस्टेडियंस थे वो ये लोग थे। ठीक है, एंड दिस सिंबलाइज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। अब इस सिंबल को ब्रिटिश आकर थोड़ा सा हर्ट कर देंगे। कैसे? अब अंग्रेजों ने उस टाइम तक अपना बंगाल प्रोविंस के ऊपर अपना हाथ जमा लिया था, मद्रास प्रोविंस के ऊपर अपना हाथ जमा लिया था। दोनों, अगर आप देखें, बंगाल नॉर्थ में पड़ता है उड़ीसा के, और मद्रास साउथ में पड़ता है उड़ीसा के। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे अंग्रेज अपना हाथ जमा चुके थे। 1803 में आते आते उन्होंने उड़ीसा पे भी अपना हाथ जमाना जो था शुरू कर दिया, और 1803 में ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है ना, अब उस टाइम पे गजापति किंग होते थे एक मुकुंद देवा टू। ठीक है, मुकुंद देवा टू जो थे वो माइनर थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के एक मिनिस्टर के अंडर थी जो जिनका नाम था जय राजगुरु। ठीक है, वो कस्टेडियन थे मुकुंद देवा टू के, क्योंकि मुकुंद देवा टू तो उस टाइम पे आपके जो थे माइनर थे, वो राजा तो थे लेकिन वो
ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते थे क्योंकि काफ़ी छोटे थे। तो जो आपके जय राजगुरु हैं, जब अंग्रेज़ों ने ये जगन्नाथ टेम्पल को और इस एरिया को अपने अंडर लेना चाहा, तो इन जय राजगुरु ने उनके खिलाफ़ विद्रोह किया, लेकिन जय राजगुरु को अंग्रेज़ों ने दबा दिया और उनको पब्लिकली उनको एग्जीक्यूट किया गया, टॉर्न अपार्ट कर दिया गया, ठीक है, उनको पब्लिकली एग्जीक्यूशन किया अंग्रेज़ों ने। कुछ सालों बाद पैकाज ने फिर से इसी चीज़ को लेकर विद्रोह किया बाक्सी जागा बंधु के अंदर, ठीक है। ही वॉज द हेरिडिटरी चीफ ऑफ मिलिशिया आर्मी ऑफ गजापति किंग। अब ये पाइकास जो होते थे ना, इनके हेरिडिटरी चीफ्स होते थे, तो वन ऑफ द चीफ वॉज बाक्सी जागा बंधु। तो अब पाइकास इनके अंडर जो है वो रिवोल्ट करेंगे और राइज करेंगे रिबेलियन में, ठीक है। और इन्होंने सपोर्ट लिया बाकी के ट्राइबल्स का और जो दूसरी सोसाइटी थी कि भैया आ जाओ, अंग्रेज़ हमारे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने बाकी के ट्राइब्स और बाकी की जो लोकल पॉपुलेशन थी उनको भी इकट्ठा किया टू रिवोल्ट। उसके बाद रिवोल्ट में क्या क्या हुआ, रिबेलियन आपका स्टार्ट हो गया था मार्च 1817 में और बहुत जल्दी से फैलने लगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो, इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे कह सकते हैं, ये तो एक लोकल रिवोल्ट था। ऐसे तो लोकल रिवोल्ट 1817 से पहले भी हुए हैं, तो हम हर वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं कह सकते। तो इसको पाइका विद्रोह को क्यों हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने की बात कर रहे हैं, क्यों सरकार इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की बात कर रही है। दो पाइकास प्लेड अ लार्जर रोल इन द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, इट वॉज बाई नो मीन्स अ रिबेलियन बाय अ स्मॉल ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। माना कि पाइकास जो थे वो मेजरली उन्होंने लार्ज रोल प्ले किया, लीडरशिप भी पाइका की थी एक, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पाइकास तक ही लिमिटेड था, बाकी के ग्रुप्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अब उसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्राइबल्स ऑफ घुमुसर पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे गंजम एंड कंधमल डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में ही है एंड अदर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन एक्टिवली टुक पार्ट इन इट, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट द पाइका विद्रोह गॉट द अपॉर्चून मोमेंट टू स्प्रेड व्हेन 400 ट्राइबल्स ऑफ घुमसर एंटर्ड खुर्दा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो आप देख रहे हैं कि लिमिटेड नहीं था, बाकी के भी उस एरिया के ट्राइबल ग्रुप्स ने था जो वो पार्टिसिपेट किया। ये कोई ट्राइब के ऊपर बात नहीं आई थी कि पाइकास का उन्होंने हक छीन लिया या पाइकास का उन्होंने लैंड छीन लिया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये जो विद्रोह हुआ था ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुआ था और ब्रिटिश जो उन लोगों के कल्चर को हार्म करने की कोशिश कर रहे थे उनके अगेंस्ट हुआ था। द पाइकास अटैक्ड ब्रिटिश सिंबल ऑफ पावर, सेटिंग अब्लेज पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को आग लगा दिया, ट्रेजरी लूट लिया जो बच गया उसको आग लगा दिया, ठीक है। और इन्होंने मजबूर कर दिया ब्रिटिश को वहां से भागने के लिए। उस टाइम पे इन्होंने अंग्रेजों को एक बार भगा दिया, ठीक है। और इन पाइकास को सपोर्ट सिर्फ वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने नहीं, वहाँ के राजाज और जो वेल्दी लोग थे, जमींदार थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, जैसे राजा ऑफ कानिका, कुजांग, नयागढ़, घुमुसर एंड जमींदार, विलेज हेड्स एंड ऑर्डिनरी पेजेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि जो लोकल लोकल रूलर्स थे उन्होंने भी सबने इनको हेल्प करा कि हाँ ये हमारे कल्चर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम को इफेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश वर इनिशियली टेकन अ बैक एंड देन ट्राइड टू रीगेन लॉस्ट ग्राउंड बट फेस्ड स्टिफ रेजिस्टेंस, काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस इनको दी पाइकास ने, आसानी से अपना लैंड नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके बाद सप्रेशन हुआ। अब आप सब जानते हैं कि पाइकास अगर सक्सीड कर जाते तो कुछ और आज हिस्ट्री होती, लेकिन वो सक्सीड नहीं किए, ब्रिटिश उनको फिर सप्रेस करने में कामयाब हो गए, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड सप्रेशन हुआ, उसमें काफ़ी जो पाइकास थे और काफ़ी जो बाकी के जिन्होंने रिबेलियन किया था वो मारे गए, काफ़ियों को इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, टॉर्चर किया गया बहुत ज़्यादा, फिर कई लोग जंगल में भाग गए और वहाँ से उन्होंने गुरिल्ला वॉर कंटिन्यू किया 1819 तक, लेकिन धीरे धीरे इनको भी पकड़ लिया गया और मार दिया गया। उनके लीडर बाक्सी जागा बंधु को भी अरेस्ट कर लिया गया 1825 में और वो कैप्टिविटी में ही, जेल में ही उनकी डेथ हो गई 1829 में, ठीक है। अब जो इतनी सब मेहनत हो रही है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसकी क्या रीज़न है? एक तो पाइका विद्रोह माना कि ओडिशा में एक कल्ट स्टेटस है, वहाँ पे बच्चों को, पाइका जो लीडर्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी खतरनाक लड़ाई दी अंग्रेज़ों को, ठीक है, दे फॉट विद द ब्रिटिशर्स ब्रेवली, उनकी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें नेशनल लेवल पे तो बहुत कम अटेंशन इस रिवोल्ट को मिली है जो ये डिज़र्व करता है। तो इसी वजह से सरकार जो है इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की बात कर रही है और इसके लिए 200 करोड़ रुपया भी खर्च किया जाएगा इस साल, क्योंकि ये इसका सेनेटेनरी ईयर है, ठीक है, डबल सेनेटेनरी ईयर है क्योंकि 200 साल हो गए हैं इसको,
तो इसीलिए अभी ये इम्पोर्टेंस आपके लिए हो जाती है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लीडर्स का नाम याद होना चाहिए, कौन सी स्टेट में हुआ था ये नाम याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत ईयर भी आपको आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि अरेंज द फॉलोइंग में आ सकता है रिवोल्ट्स आपको दे दिए जाएंगे कि आप इन रिवोल्ट्स को यानी ईयर ऑफ अकरेंस उसे अरेंज कीजिए। ठीक है, आपको लीडर का नाम हो गया, और उसके बाद आपको रूलर्स पता होने चाहिए उस टाइम पे कौन थे, गजापति रूलर्स थे। आपको ये सब जो है चार पांच जो है इसमें फैक्ट्स याद होने चाहिए, वो आपको प्री में अगर पता होंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो ईजिली निकाल दोगे। नेक्स्ट अब GS3 देख लेते हैं। मिनिस्ट्री सीक्स लोअर GST फॉर 5-स्टार होटल्स। तो अपन इस हेडिंग पे नहीं जाएंगे, देखते हैं कि इस आर्टिकल की अपने हिसाब से क्या थीम बनती है और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने हिसाब से थीम बनती है प्रपोजल टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, अब कुछ टूरिज्म मिनिस्ट्री ने और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं जिससे हम टूरिज्म इंडस्ट्री जो है भारत की उसको बूस्ट कर सकते हैं। हमने एक दो दिन पहले भी टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में देखा था, शायद कल ही देखा था टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में, तो आज फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे जो है बूस्ट किया जा सकता है। अगर आप कल वाला आर्टिकल और ये आज वाला आर्टिकल अगर अच्छे से इसको कंबाइन करके आंसर लिखोगे, आपका 200 नंबर का 200 वर्ड्स का इतना बढ़िया आंसर बनेगा, इतना बढ़िया आंसर बनेगा, बस चेप देना वहाँ पर जाकर ये पॉइंट्स, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं रिडक्शन इन GST फॉर 5-स्टार होटल्स। ठीक है, तो सबसे पहला प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ने ये दिया है कि अभी जो 5-स्टार होटल्स हैं, अगर कोई रूम 7500 या 7500 से अबव का होता है तो उस पर 28% GST लगता है, जो हाईएस्ट स्लैब है GST के अंदर। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि 7500 का रूम है उस पर 2800 रुपीज़ टैक्स लग जाएगा, अराउंड आपका 1600-1700 के अराउंड, ज़्यादा इनफैक्ट ज़्यादा उससे जो आपका GST ही बन जाता है, तो आपका रूम जो है ऑटोमेटिकली काफ़ी जो है एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, अब टूरिज्म इंडस्ट्री का ये कहना है कि जो ये 28% का GST है ये इंडियन टूरिज्म सेक्टर को बना देता है भैया अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर फॉरेन टूरिस्ट बाकी की कंट्रीज़ में जाएँ, नेबरिंग कंट्रीज़ में जाएँ, थाईलैंड मलेशिया वगैरह जाएँ, सिंगापुर जाएँ, जहाँ पर टैक्स रेट होटल्स के ऊपर सिर्फ 7% है या उससे भी कम है, तो उस केस में इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो थोड़ी अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। अब कोई US से आने वाला होगा, वो अपना रूम बुक करा रहा होगा, ट्रिवेगो वगैरह पे देख रहा होगा, तो देखेगा कि भैया रूम का किराया 7500 आफ्टर टैक्स 10,000 रुपीज़। वहीं पर थाईलैंड में देखेगा कि रूम का 5-स्टार होटल के रूम का एकदम बढ़िया चकाचक कमरे का किराया 7500, उसके ऊपर टैक्स 500 रुपये और 8,000 रुपये, तो कहेगा चल यार थाईलैंड ही घूम आते हैं पहले, अगले साल देखेंगे इंडिया अगर थोड़ा पैसा कमा लिया। तो ऐसे जो है अपनी इंडस्ट्री अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। दूसरी चीज, ग्रांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस एज पार्ट ऑफ मेजर टू बूस्ट द वाइटल जॉब्स एंड फॉरेन एक्सचेंज जनरेटिंग सेक्टर। जब आपको किसी इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाता है ना, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आने लगती है और सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज के फायदे मिलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस वाली बिल्डिंग्स को, वो भी मिलने लगते हैं। तो करंटली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है जो 200 करोड़ से अबव के प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हर कोई तो 5-स्टार ताजमहल नहीं बना सकता ना, ठीक है, ताज होटल या ओबेरॉय इस टाइप नहीं बना सकता ना, कुछ लोग छोटे मोटे होटल बनाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि थोड़े छोटे लेवल के होटल्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दो, ताकि उनमें भी फॉरेन एक्सचेंज आ सके और फर्दर वो बूस्ट कर सके, जो जॉब्स बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो मिनिस्ट्री का प्रपोजल ये है कि अगर कोई 50 करोड़ से ऊपर का होटल का प्रोजेक्ट है तो आप उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस आप ग्रांट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडिंग द लैंड ऑन लोअर लीज रेंटल्स फॉर होटल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी क्या होता है कि ज़मीन बड़ी महंगी होती है, हाई कॉस्ट ऑफ लैंड जो होता है उसकी वजह से बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है होटल्स कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, स्टेट्स शुड ईदर गिव लैंड ऑन कंसेशनल रेट्स। अब इसके दो तरीके हैं, या तो स्टेट जो है वो थोड़े कंसेशन रेट पे होटल के लिए ज़मीन दे कि भैया थोड़ी सस्ते दाम पे से पे दे दिया मार्केट से, और अडॉप्ट अ मॉडल वेयर द लीज अमाउंट वॉज केप्ट लो विद होटल्स इंस्टेड रिक्वायर्ड टू गिव द स्टेट गवर्नमेंट एन एग्रीड शेयर ऑफ होटल्स एनुअल टर्नओवर। अब इसमें क्या होगा कि लीज पे अगर ज़मीन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो लीज जो है वो थोड़ी कम रखे, उसकी जगह वो क्या करे, लीज को कम करके स्टेट जो होटल्स हैं उनके साथ डील कर ले कि भैया जितना तुम्हारा एनुअल रेवेन्यू आएगा उस एनुअल रेवेन्यू में से इतना परसेंट शेयर जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इससे क्या होगा, वो जो सडन प्रेशर पड़ जाता है होटल इंडस्ट्री के ऊपर वो नहीं पड़ेगा और वो अपने एनुअल टर्नओवर में से शेयर देते रहेंगे सरकार को। ठीक है, इससे क्या होगा, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी होटल्स की, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी होटल्स की तो जो अफोर्डेबल रूम टैरिफ है वो भी कम हो जाएगा। अराउंड 2000 के करीब ये लेके आना चाहते हैं कि अफोर्डेबल रूम 2000 तक मिल जाए, जो बजट टूरिस्ट जो हैं, जो मिडिल क्लास टूरिस्ट हैं, वो प्रेफर करते हैं इस रेंज में होटल रूम मिल जाए। ठीक है, फिर तीसरी चीज़, कटिंग द नंबर ऑफ परमिट्स नीडेड टू ओपन अ होटल। अब
होटल बनाने के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारे परमिट लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने पॉइंटिंग आउट दैट करंटली द इंडस्ट्री नीड्स टू अपटेन मोर देन 70 परमिट्स टू ओपन होटल। अभी कम से कम 70 तरह के परमिट लेने पड़ते हैं किसी को अगर होटल खोलना है। तो मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इन जो ये नंबर ऑफ परमिट्स रिक्वायर्ड हैं इनको कम करना होगा। और इसी इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं इसको इजी करने के लिए इंडस्ट्री को, ताकि उनको इजीली लैंड मिल जाए और इजीली इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और इतने ज़्यादा परमिट्स ना ले सकें। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए हैं उसके लिए उसको बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रमोट किया जाएगा कि वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मॉडल जो है उसको कंसिडर करें अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग अ नेशनल टूरिज्म रेगुलेटर एंड रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक नेशनल टूरिज्म रेगुलेटर बना देंगे, ठीक है। अब इसमें ये टूरिज्म रेगुलेटर करेगा क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जितना सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा सेक्टर से रिलेटेड वो ये देखेगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कि होम स्टेज को कैसे रेगुलेट करना है। हम प्रमोट करते हैं ना कि होम स्टेज, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, मनाली, हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर हम प्रमोट करते हैं कि होम स्टेज के लिए लोगों को बोलें, उससे क्या होगा उन लोगों की इनकम बढ़ेगी और जो फॉरेन टूरिस्ट होगा उसको एक इंसाइट मिलेगा इंडियन कल्चर में जब वो लोगों के साथ लोगों के घर में रहेंगे, ठीक है। तो उसको रेगुलेट करें, ऑनलाइन पोर्टल्स को रेगुलेट करें। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर होटल हम बहुत अच्छा होटल प्रोवाइड करते हैं, 5 स्टार होटल प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल होटल के दामों में। तो ऐसा ठगी ना हो किसी फॉरेन टूरिस्ट के साथ में और उसको जो बोला जाए वेबसाइट पर उसको वही चीज़ अवेलेबल हो, उसके लिए इसको भी रेगुलेट करने की जो है ज़रूरत है। सेटिंग अप ऑफ वर्किंग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स, हम मिनिस्ट्री ने कहा हम ये सारी बातें तो कर रहे हैं लेकिन इसके लिए हम 4 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप सेट करेंगे, ठीक है। 1 ईच इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, स्टार्टअप्स में, माइस और मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स टूरिज्म, ठीक है। बहुत सारी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है ना, इंटरनेशनल मीटिंग्स भी होती रहती हैं इंडिया में, ठीक है। तो वो काफ़ी लोग आते हैं बाहर से उन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, होटल्स में रहते हैं तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। एंड नाइस टूरिज्म, द जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स वुड ईच हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द टूरिज्म मिनिस्ट्री, ठीक है। टूरिज्म मिनिस्ट्री में से भी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के लोग भी रहेंगे, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन विंग इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, ये भी वहाँ पे रहेगा। तो काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव सा इसमें सब लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अल्टीमेट एम क्या है मिनिस्ट्री का, अल्टीमेट एम है टू इंश्योर विद इन 5 ईयर दैट द टूरिज्म सेक्टर जनरेट्स 100 मिलियन जॉब्स, ठीक है। अभी करेंटली अराउंड 43 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करता है टूरिज्म सेक्टर इंडिया में, इसको 100 मिलियन तक खींचने की बात की गई है। अट्रैक्ट 40 मिलियन टूरिस्ट, अभी कुछ अपने इंडिया में 14.4 मिलियन जो फॉरन टूरिस्ट हैं वो आते हैं, तो इसको 40 मिलियन तक खींचने की बात की गई है। और जनरेट करने की बात की गई है कि भैया $100 बिलियन तक का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जनरेट करना है अगले 5 साल में, अभी कुछ हम $24 बिलियन जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें जो पॉइंट्स मेनली डिस्कस किए गए हैं वो होटल इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करना है वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ये है आपके टूरिज्म सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं और अगर आप ये सारे रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र फॉर स्किलिंग इन स्मार्ट सिटीज़, ठीक है, लॉन्च अंडर स्किल इंडिया मिशन इन कोलैबोरेशन विद NDMC, ठीक है। तो आपका दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसका मेनली काम क्या रहेगा, एक्सटेंड कॉपरेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र सेंटर फॉर स्मार्ट सिटीज़, ये काम रहेगा टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ टूवर्ड्स इट्स शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ म्यूनिसिपल इंप्लॉयज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में और ज़्यादा अभी डिटेल अपने पास आई नहीं है, अगर आएगी तो बाद में इसको देख लेंगे। उसके बाद बंगाल गवर्नमेंट कॉल्स फॉर मीट एज रॉ जूट डिमांड फॉल्स, ठीक है। तो बंगाल में काफ़ी जूट प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि वहाँ पर जो रॉ जूट की डिमांड है वो गिर गई है, जिसकी वजह से फार्मर जो है वो फोर्स हो रहे हैं कि अपना जो जूट है, जूट क्रॉप है, उसको वो बिलो जो MSP जो सरकार ने सेट किया है उससे भी कम दामों में बेच रहे हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, द प्रॉब्लम बींग फेस्ड बाय द फार्मर्स इन मेनली ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर द लो ग्रेड जूट बींग ग्रोन बाय द फार्मर्स इन वेस्ट बंगाल। अब फार्मर्स जो वेस्ट बंगाल के हैं ना वो जनरली जूट जो प्रोड्यूस करते हैं वो लो ग्रेड क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो स्टेट के अंदर लो ग्रेड TD6 वेराइटी होती है एक रॉ जूट की, वो प्रोड्यूस की जाती है, काफ़ी लो ग्रेड जूट होता है ये जो आपका क्वालिटी होती है, ठीक है। द डिमांड फॉर दिस टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर यूज मेनली फॉर मेकिंग सेकिंग एंड गनी बैग्स हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। ये जूट मेनली आपका जो आपके सब्जियों के बोरे होते हैं ना वो बनाने के लिए इसको
यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी डिमांड पिछले एक साल से कम हो रही है। वो डिमांड कम क्यों हो रही है, उसका रीज़न ये रहा, यहाँ पर है, देख लेते हैं क्या। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री स्पेसिफिकेशन टू द जूट मिल्स टू मेक लाइटर बैग्स इन ऑर्डर टू टैकल कॉम्पिटिशन। अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने पिछली बार जूट मिल्स को क्या कह दिया कि भैया देखो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, बाहर की कंपनीज जो है जूट हल्के वाला जूट बना के भेज रहे हैं और अपने वाली जूट फिर बिक नहीं रहे हैं और एक्सपोर्ट भी अपना इसमें कम हो रहा है, तो तुम्हें ऐसा करना है कि जूट का जो तुम्हारा बैग है ना वो भी काफ़ी भारी होता है, अराउंड 665 ग्राम्स, ठीक है, तो तुम्हें ये अपना जो जूट बैग है ना इसका वेट तुम्हें कम करना है, ठीक है, उसको अराउंड 560 ग्राम्स लेके आना है। तो लाइट वेट जूट बनाने के चक्कर में, लाइट वेट जूट की नेसेसिटी क्या होती है कि वो उनके लिए बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ जूट चाहिए, ठीक है। अब बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ जूट चाहिए तो हमने पहले भी देखा कि TD6 जो जूट जो वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस हो रहा है वो लो क्वालिटी है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो ड्रॉप कर रही है। ये एक मेजर रीज़न है। और क्या मेजर रीज़न है? दूसरा मेजर रीज़न ये है कि अब वेस्ट बंगाल ऐसी लो क्वालिटी जूट प्रोड्यूस क्यों कर रहा है, उन्हें तो जूट प्रोड्यूस ही करना है तो थोड़ा हाई क्वालिटी क्यों नहीं कर लेते, लो क्वालिटी क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, उसका रीज़न ये है। पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत पुअर है, लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर रेटिंग, रेटिंग आपका क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वॉशिंग रॉ जूट टू गेट बेटर फाइबर, ठीक है, ये रेटिंग की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स हैं उन्हें मजबूरन जो है इन्फीरियर क्वालिटी का जूट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब उनकी डिमांड घट गई है और उनको स्ट्रेस सेल्स जो है वो करनी पड़ रही हैं। अब इसको सरकार को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, ये दो एक्शन इसमें लिए जा सकते हैं, या तो इनकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, जो जूट फार्मर्स हैं वहाँ पर उनको प्रमोट किया जाए, उनको इन्वेस्टमेंट दिया जाए, ठीक है, कि वो अपनी जूट क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, या फिर ये किया जा सकता है कि जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अपनी जो स्पेसिफिकेशंस दी हैं पिछले साल उसको फिर से रिवर्स कर दिया जाए और जो जैसे पहले चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंटर इज इज नॉर्म फॉर सीवेज प्लांट्स दोज अलॉन्ग गंगा रिवर टू एग्जेम्प्टेड, ठीक है, तो सेंटर ने 2015 में कुछ प्लान बनाए थे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे इन एंड अराउंड गंगा उनके ऊपर ये उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई थी कि जो पानी ट्रीट होकर, जो सीवेज ट्रीट होकर रिवर के अंदर जाएगा उसका पीएच 6.5 या 9 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, बायोलॉजिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो वेस्ट की होनी चाहिए वो 10 mg/L से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बायोलॉजिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी क्या होती है, जब आपका सीवेज वेस्ट आपके रिवर में जा रहा है तो जो रिवर में जो बैक्टीरिया हैं वो उनको ट्रीट करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे तो वो जो आपका वाटर है वहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो जितनी ऑक्सीजन वो लेंगे उसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये 10 mg/L से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी 2015 के प्लान के हिसाब से। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो ट्रीटेड वाटर में हो सकते थे वो मैक्सिमम 20 mg हो सकते थे, और जो आपके फेकल कॉलीफॉर्म है ये एक तरह का आपका बैक्टीरिया होता है, ये 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था प्रपोज प्लान के अंदर, तो 2015 में प्रपोज किया गया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए इन एंड अराउंड गंगा। लेकिन अब फाइनल प्लान जो अक्टूबर 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब डिक्लेयर किया है उसमें थोड़े से चेंजेस लाए हैं, ठीक है, तो अगर आप देखें तो पीएच को सेम रखा गया है लेकिन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए जो रास्ता है थोड़ा सा ईज कर दिया गया है, उसको कह दिया गया है कि यार 10 चलो ज़्यादा कम कर दिया तो 20 या 30 से कम रखना, ठीक है, और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को भी अगर आप देखें तो 20 से 50 कर दिया है, और फेकल कॉलीफॉर्म्स को देखें तो उसको 100 से 1000 कर देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सारा जो है रिलैक्स किए हैं स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज टू अपकम अप दी एक्सट्रीमली पोल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ गंगा। गंगा के लिए हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि सेंटर बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि भैया पोल्यूशन कम करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे, लेकिन फिर ये जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स बनाए थे 2015 में इनको ईज करने का रीज़न क्या है, ईज करने का रीज़न हमारे पास यहाँ पे है। अब CPCB का कहना है कि यार ये जो तुमने ये 2015 के जो टारगेट्स हैं ना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थे और ये इम्प्रैक्टिकल हैं, ये अचीव कर ही नहीं सकते। तो अ सीनियर CPCB ऑफिशियल सेड दैट द 10 mg क्राइटेरिया वॉज इम्प्रैक्टिकल। जो हमने देखा ना यहाँ पे 10 mg का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्राइटेरिया रखा था 2015 में, जिसको बढ़ाकर 20 या 30 कर दिया है। तो CPCB का कहना है कि 10 mg का जो रखा था क्राइटेरिया 2015 में वो तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल था एंड रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इसके लिए रिक्वायर्ड है जो काफ़ी स्टेट्स अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि बिकॉज इट इज़ टू कॉस्टली, वी आर वेरी फार फ्रॉम बींग एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड वी कैन ओनली गो अबाउट इट इन अ फेज मैनर। अब उनका कहना है कि ऐसी क्वालिटी हम अभी अचीव नहीं कर सकते और बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम बातें करते रहें कि हम ऐसा अचीव करेंगे ऐसा अचीव करेंगे और हाथ हमारे कुछ भी ना लगे, इसके लिए हमें फेज मैनर में ही इस अचीवमेंट की तरफ बढ़ना होगा और फर्स्ट स्टेप उस अचीवमेंट के लिए जो है आपका वो ये है।
ठीक है, इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स, स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज नाउ वी ऑल्सो हैव स्टैंडर्ड्स फॉर फेकल कॉलीफॉर्म विच हैज़ नेवर बीन पार्ट ऑफ आर स्टैंडर्ड्स. ठीक है, फेकल कॉलीफॉर्म्स को 2015 में पहली बार डाला गया था प्रपोज प्लान के अंदर. उससे पहले फेकल कॉलीफॉर्म्स को रखा ही नहीं जाता था. ये आपके बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके फेकल कॉलीफॉर्म उनको बोला जाता है. अब नॉर्म सिर्फ गंगा के लिए यूज़ नहीं किया गया, ये सारी स्टेट्स के लिए, बाकी की स्टेट्स के लिए भी यूज़ कर दिया गया है. चाहे वो प्लांट्स आपके अरुणाचल में हों, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, J&K, अंडमान, दमन, लक्षद्वीप एंड ऑल्सो डोंट नीड टू स्टिक टू हायर सीवेज ट्रीटमेंट क्राइटेरिया. इन एरियाज़ को भी हायर जो सीवेज ट्रीटमेंट क्राइटेरिया जो 2015 में सेट किया गया था उसके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है. वो अब 2017 के प्लान के हिसाब से हैं, वो चलेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं GS2, सेंटर एनवॉय टू होल्ड टॉक्स ऑन J&K. ठीक है, तो सेंटर ने अब एक एनवॉय भेजने की बात की गई है J&K में सारे लोगों से, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो भी जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबसे बातचीत की जाएगी कश्मीर में अमन और शांति लाने के लिए. उसके लिए XIB चीफ जो है उनको अपॉइंट किया गया है टू इनिशिएट डायलॉग विद ऑल सेक्शन एज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव. तो अभी होता क्या है, तो सरकार ने अपना पिछला रुख जो है वो बदल दिया है. सरकार पहले इस चीज़ के अगेंस्ट थी, टॉक्स के लिए कोई इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करने के अगेंस्ट थी सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर हम देखें जब BJP लेड NDA पावर में आई थी 2014 में, तो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रूल आउट कर दिया था कि ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी किसी इंटरलॉक्यूटर की. उनका ये मानना था कि ये जो प्रैक्टिस है ये एक बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव प्रैक्टिस है. तो अब इस अपने स्टैंड से सरकार जो है रिवर्स हो गई है. ठीक है, और सेंटर ने अनाउंस किया है मंडे को कि वो फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ दिनेश्वर शर्मा को एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे टू इनिशिएट एंड कैरी फॉरवर्ड अ डायलॉग. ठीक है, जो वहाँ पर डायलॉग वगैरह जाकर देखेंगे सारा विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स कंसर्न्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. अब इंडिविजुअल्स कंसर्न्ड यहाँ पर लिख दिया ना, तो इसमें आपके जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी आ जाते हैं. ठीक है, तो जो ये इंटरलॉक्यूटर होगा ये वहाँ पर जाके सब लोगों को अपने साथ बिठाएंगे और सब लोगों को बातें करेंगे कि हाँ भैया तुम्हें क्या क्या चाहिए, चाहे वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे वो बाकी की NGOs वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन हो जो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या फिर इंडिविजुअल्स हों जैसे कि आपके जो सेपरेटिस्ट हैं. ठीक है, तो ये जो स्टैंड लिया है सरकार ने, ये स्टैंड सरकार ने जो लिया है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में अभी बोला था कि जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, उसका जो इशू है ना तो वो गोलियों से सुलझाया जा सकता है ना वो गालियों से सुलझाया जा सकता है. ठीक है, लेकिन वो लोगों को साथ बिठाकर, लोगों को अपना बनाकर जो है वो कश्मीर का इशू सुलझाया जा सकता है. और इसी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के ऊपर ये जो है डिसीजन लिया गया है इंटरलॉक्यूटर को अपॉइंट करने का. अब इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये पहली बार किया जा रहा है? नहीं, इसको पहली बार नहीं किया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है जो वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत करेगा. ऐसा पहले भी हो चुका है. लास्ट टाइम ऐसी एक्टिविटी 2010 में हुई थी UPA गवर्नमेंट के अंडर. ठीक है, UPA गवर्नमेंट ने एक 3 इंटरलॉक्यूटर्स का जो है ग्रुप अपॉइंट किया था, जो सक्सेसिव उन्होंने डायलॉग्स जाकर वहाँ पर करने थे. फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट कर दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट पे कोई ज़्यादा गौर नहीं किया गया और वो होम मिनिस्ट्री में अभी तक धूल चाट रही है. तो अब ये नया एक इंटरलॉक्यूटर जो है वो वहाँ पर सेट किया गया है, नए रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए हैं जो वहाँ पर जाकर बात करेंगे और फिर ये अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे. मिस्टर शर्मा जो है 4th इंटरलॉक्यूटर हैं अपॉइंट, जिसको सेंटर ने किया है सिंस 2002. ठीक है, एक हमने देख लिया कि 2010 में किया गया था UPA गवर्नमेंट के द्वारा, और एक 2002 से लेके 2017 तक ये चौथे इंटरलॉक्यूटर हैं. तो थोड़ा सा मिस्टर शर्मा के बारे में भी जान लेते हैं, अपॉइंटमेंट जिनकी की गई है. तो ही इज़ अ 1979 बैच IPS ऑफिसर ऑफ केरला कैडर. ही वॉज अपॉइंटेड एज द IB डायरेक्टर इन दिसंबर 2014 फॉर अ 2-year टर्म. पोस्ट रिटायरमेंट ही वॉज अपॉइंटेड एन इंटरलॉक्यूटर फॉर टॉक्स विद असम बेस्ड इंसर्जेंट. तो मतलब ये इंटरलॉक्यूटर में इनको एक्सपीरियंस रहा है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स से और मिलिटेंट ग्रुप्स से और बाकी के लोगों को साथ बिठाकर कैसे बात की जा सकती है. ये एक मेजर बेस है इनकी अपॉइंटमेंट का. अ टॉप गवर्नमेंट सोर्स सेड मिस्टर शर्मा हैड बीन चूजन एज ही वॉज नोन टू हैव मॉडरेट व्यूज एंड इज़ कमिटेड टू डायलॉग. मॉडरेट व्यूज़ रखते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक साइड में साइड की पार्टी के व्यूज़ को सुन लेते हैं और दूसरा नहीं सुनते. मॉडरेट व्यूज़ रखते हैं. Sensitive to issues, responding to a question whether Mr. Sharma would have talks with the Hurriyat Conference. उनसे पूछा गया है अभी कि आप हुरियत के लोगों से बातचीत करेंगे, तो जो मिनिस्टर थे, जो होम मिनिस्टर थे वहाँ हमारे वहाँ पर अवेलेबल, उन्होंने कहा कि जो अब ये
मिस्टर शर्मा को अपॉइंट किया गया है, ही होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनको एक कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के बराबर रखा गया है, एंड उनके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगी कि वो डिसाइड करें कि उन्हें किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया है। तो अब देख लेते हैं जब ये जाएंगे वहाँ पर बातचीत करेंगे और रिपोर्ट निकालेंगे तो अपने लिए तब इंफॉर्मेशन इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। वाई मेक अ शो ऑफ पेट्रियाटिज्म, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा था कि जो भी कोई मूवी सिनेमा हॉल है वहाँ पर नेशनल एंथम बजाना होगा भैया मूवी शुरू होने से पहले, और जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको उस टाइम पर नेशनल एंथम के टाइम पर अपनी चेयर पे से खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ी सी एक्सेप्शंस डाल दी थी कि जो बूढ़े लोग हैं या जो विकलांग लोग हैं वो बैठे रह सकते हैं लेकिन बाकी लोगों को खड़े रहना पड़ेगा, और उन्होंने और भी काफ़ी सारे इसके लिए नॉर्म्स बनाए थे, जैसे कि उस टाइम पर सिनेमा हॉल का जो डोर है वो क्लोज्ड होना चाहिए जिस टाइम पर नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, तो वो सब इन्होंने लॉज रूल्स निकाले थे अभी कुछ टाइम पहले। तो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस ने अब इस जो ये जजमेंट आई थी उसकी थोड़ी सी धज्जियाँ उड़ाने का फैसला कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पीआईएल आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पीआईएल आया था जो उस पीआईएल को तीन बेंच तीन जजेस सुन रहे थे, वो पीआईएल डाला था आपके कोडनगल्लूर फिल्म सोसाइटी केरला ने, ठीक है, नवम्बर में डाला था, जो नवंबर का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये बोल दिया था कि भैया जब नेशनल एंथम प्ले करना पड़ेगा और उसमें खड़ा रहना पड़ेगा, तो ये पीआईएल आई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले वाले डिसीजन की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने बोला है, ही लैश्ड आउट एट द लॉजिक बिहाइंड द नवंबर 30, 2016 ऑर्डर, सेइंग देयर इज नो नीड फॉर एन इंडियन टू वेयर हिज पेट्रियाटिज्म ऑन हिज स्लीव। इनका ये कहना है कि हमें अपने माथे पर लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है कि भैया हाँ हम देशभक्त हैं या हम देशभक्त नहीं हैं, हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम देशभक्त हैं, हम इंडिया के लिए जीते हैं मरते हैं, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पेट्रियाटिज़म हमारे अंदर है, हम किसी को क्यों शो करें और क्यों हम किसी को सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम पेट्रियाट हैं खड़े हों वहाँ जाकर। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि नेक्स्ट थिंग विल बी दैट पीपल शुड नॉट वेयर टी शर्ट एंड शॉर्ट टू मूवीज बिकॉज इट विल अमाउंट टू डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, वेयर डू वी स्टॉप दिस मॉरल पुलिसिंग। उन्होंने कहा कि मॉरल पुलिसिंग कोर्ट क्या कर रही है कि उन्होंने कह दिया कि नेशनल एंथम प्ले करो और सबको खड़ा होना चाहिए, कि मतलब आप लोगों को उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपना पेट्रियाटिज्म कैसे एक्सप्रेस करें। कल को आप ये कह दोगे कि जब आप सिनेमा में मूवी देखने जाओ तब आप शॉर्ट्स और टी शर्ट्स नहीं पहन के जा सकते क्योंकि वहाँ पर नेशनल एंथम प्ले होगा, और नेशनल एंथम प्ले होगा तब आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में खड़े होगे तो वो नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट होगी। तो वो कह रहे हैं कि ये तो मतलब बढ़ता जाएगा, ये तो मॉरल पुलिसिंग, आज ये निकाला है कल कुछ और निकाल देंगे, परसों फिर कुछ और आ जाएगा, तो यहाँ ये इसमें तो कोई स्टॉपिंग पॉइंट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो ये तीन बेंच जज बैठे हैं उसमें हमारे जस्टिस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब भी हैं। अब ये दीपक मिश्रा साहब ने ही 2016 में जो नवंबर में ऑर्डर दिया गया था इन्होंने इसको सपोर्ट किया था कि हाँ नेशनल एंथम वगैरह जो है प्ले करो, तो उस टाइम पे हमारे मिश्रा साहब ने कहा था कि दैट द प्रैक्टिस वुड इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ कमिटेड पेट्रियाटिज्म एंड नेशनलिज्म, कि ये पेट्रियाटिज्म पैदा करेगा लोगों में, नेशनलिज्म पैदा करेगा लोगों में, ठीक है। तो वो सारी उस टाइम पे उन्होंने बातें की थी। तो जस्टिस चंद्रचूड़ फिर बोले कि भाई और क्या बातें बोले, वो कहते हैं ये तो लॉ भी परमिट नहीं करता जो तुमने ये बना दिया कि भैया नेशनल एंथम प्ले करना और खड़े होना है, तो ये तो लॉ भी परमिट नहीं करता। उन्होंने फिर बताया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जो पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है उसमें कोई भी मैंडेट नहीं है कि दैट पीपल जो है उन्हें लोगों को खड़ा होना पड़े जब नेशनल एंथम बजाया जाए सिनेमा हॉल में, तो ये तो कोई एक्ट भी नहीं है। मतलब तुम अपने आप से सुप्रीम कोर्ट इतना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रही है, अपने हिसाब से रूल्स बनाई जा रही है, अगर ऐसा कुछ करना भी है तो लेजिस्लेचर को करने दो, पार्लियामेंट को करने दो, जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया हुआ है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो तुम उसे कैसे लागू करने की बात कर रहे हो। दिस इज ऑब्वियसली बिकॉज अ सिनेमा हॉल इज अ प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट, एक सिनेमा हॉल जो है वो प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट है, वहाँ पर लोग जो है एंटरटेन होने जाते हैं, ठीक है, वो कोई हिंड्रेंस के लिए नहीं जाते, सोसाइटी को एंटरटेनमेंट की रिक्वायरमेंट है इसलिए वहाँ पर लोग जाते हैं। अगर वहाँ पर भी उनके ऊपर मॉरल पुलिसिंग कर दो, नॉर्म्स लगा दो, फिर ठीक है अब सबको नेशनल एंथम प्ले कर दिया, सबको खड़े होने को बोल दिया, कोई एक बेचारा ना खड़ा हो पाए, कोई रीज़न हो सकता है कि ना खड़ा हो पाए, ठीक है, क्या पता उसकी टांग में चोट लगी है उस दिन, उसको आसपास के लोग गाली देने लगते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं, तो वो कहाँ, मतलब ये तो मॉरल पुलिसिंग कभी रुकेगा ही नहीं। यू डोंट हैव टू स्टैंड अप एट अ सिनेमा हॉल टू परसीव्ड एज पेट्रियोटिक, तुम्हें भैया सिनेमा हॉल में जाके खड़े हो गए तो तुम पेट्रियोटिक हो, अगर नहीं खड़े हुए तुम नेशनल एंथम प्ले हो रहा है तो तुम पेट्रियोटिक नहीं हो या नेशनलिस्ट नहीं हो, तो ये अगर कोई जजमेंट करना है तो वो बिल्कुल गलत जजमेंट है, और तुम्हें अपना पेट्रियोटिज्म प्रूव करने के लिए सिनेमा हॉल में जाकर खड़े होने की ज़रूरत
नहीं है। अब फर्दर इसमें देखते हैं कि क्या रूल्स या रेगुलेशंस निकालती है सुप्रीम कोर्ट। अभी तो बातचीत ही हुई है, आगे फर्दर बातचीत होगी तब हम इसको देख लेंगे। उसके बाद शिंजो एब, ठीक है, दोबारा से जीत गए हैं इलेक्शन। इन्होंने अभी वहाँ पर स्नैप पोल्स कराए थे प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने, ठीक है, तो वहाँ पर अच्छी खासी इनकी विक्ट्री हुई है। और जैसे ही ये वहाँ पे दोबारा से जीते, प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया को अब तो देख लेंगे, अब लेंगे भैया हाड़े हाथ। तभी मैंने स्नैप पोल्स कराए थे कि एक बार क्लियर हो जाए कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। अब मैं आ गया हूँ तो नॉर्थ कोरिया को तो देख लेंगे, ठीक है। दैट विल अलाउ हिम टू परस्यू हिज चेरिश्ड गोल ऑफ द प्रपोज ऑफ प्रपोजिंग चेंजेस टू द कंट्री स्पेसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बीफ अप द स्टेटस ऑफ मिलिट्री विच इज़ इफेक्टिवली रिस्ट्रिक्टेड इन टू सेल्फ डिफेंस। तो शिंजो एब जो है शुरू से काफ़ी प्रमोट करते आए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाओ। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जो मिलिट्री है उसको सिर्फ ये इजाज़त है कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, फर्दर जो है एग्रेशन नहीं दिखा सकते या खुद को प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर वॉर कंडीशन हो जाती हैं। तो शिंजो एब का काफ़ी टाइम से ही इन्होंने वो एक गोल परस्यू करके चले हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है ताकि ये जो नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर से मिज़ाइल्स निकाल देता है बिना बात के, इसको हम रोक सकें। तो शिंजो एब ने कहा अब मैं आ गया हूँ, अब मैं इसको देखूंगा, ठीक है। तभी मैंने जो है जल्दी इलेक्शन करा लिए थे, ठीक है। विनिंग अ फ्रेश टर्म एट द हेल्म ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी एंड की यूएस रीजनल अलाय, ठीक है। तो की यूएस रीजनल अलाय है जापान, हमें पता है। एंड ही इज ऑल्सो नाउ ऑन अ कोर्स टू बिकम जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर। तो कुछ टाइम में, अब वो एक दो साल बाद क्या होगा कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीएम जो आज तक जापान के रहे हैं वो बन जाएंगे शिंजो एब साहब हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, ठीक है। जब सब्सक्राइब करो तो साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना मत भूलना, रेगुलर नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़, प्रीलिम्स क्विज की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, आपको आपकी तैयारी किस लेवल पे है और कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए वो पता चलता रहेगा। तीसरी चीज़, वीडियो कभी कभी लेट हो जाती है, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर 8 बजे तक वीडियो डाल दिया करो, 9 बजे तक वीडियो डाल दिया करो। देखो, वीडियो डालने में मैं कोई जल्दी नहीं करता, सीधी सी बात है। जब तक मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि सारी न्यूज़ कवर हो गई है तब तक मैं वीडियो नहीं डालता, ठीक है। और बाकी के यूट्यूब चैनल्स हैं वो वीडियो जल्दी डाल देते हैं, आप देखें उसमें आधी न्यूज़ मिसिंग होती है, ठीक है। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती उस पर 10-10 मिनट तक बात की हुई होती है, तो वो सब मैं नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं और उस सब चीज़ों के लिए मैं काम नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाने के लिए जहाँ पे आपका PIB का भी सोर्स हो, हिंदू का भी सोर्स हो, सारा कंपाइल करके एक जगह पे डालने के लिए उसमें टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। अगर आप बाकी जगहों पे देख रहे हैं तो उन्होंने एडिटोरियल एनालिसिस अलग डालते हैं, PIB अलग डालते हैं, न्यूज़ अलग डालते हैं, तो वो एक तो मल्टीप्लिसिटी हो जाती है, वो हर जगह से न्यूज़ को थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक नहीं मिल पाता। तो उसको कंबाइन करके ज्वाइन करके डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।